नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर हरदोई से, जहां सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक और निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं समाजवादी पार्टी को गुंडे मवालियों की पार्टी बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र में बदलाव नहीं किया है, इसलिए जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उन पर चर्चा की गई है। हरदोई जिले को पूरे प्रदेश में नंबर वन का जिला बने इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज जरूर लगवाएं और जिले को स्वच्छ रखें। पद में विकास कार्यों की एक एक बिंदुवार समीक्षा हुई है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण की उनके बारे में चर्चा हुई है। हरदोई जनपद पूरे प्रदेश में श्रेणी नंबर वन का जिला बने इसके लिए हमारी सरकार का संकल्प है। कानून व्यवस्था की समीक्षा हुई है। हर स्थिति में हम हरदोई को नंबर एक पर लाने के लिए कृत संकल्प है। हमारा मानना है कि हरदोई जनपद में जो उर्वरा शक्ति है, युवाओं में ऊर्जा है, उसको हम हरदोई जनपद के विकास में लगाएंगे और एक एक व्यक्ति हरदोई का विकास के पथ पर अग्रसर हो, उसको महसूस हो, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, इसके लिए हमारी सरकार के संकल्प है। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बांदा में एक स्कूल में गायत्री नीचे देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, कई चुनाव में हार चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, गुंडे माफिया मवाली असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, उनको प्रेशर देना पर। अगली खबर बस्ती से है, जहां पैकवलिया थाना के बैरियावा गांव के पास से पुलिस ने रैम्बो गैंग के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने चोरी की 5 बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए गैंग के सदस्यों पर पहले से ही कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। SSP दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि पकड़े गए शातिर गैंग के 3 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से चेकिंग की जा रही थी तो 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं और पीछे की दिशा में वो पुनः भागने लगे। दोनों टीमों ने सार्थक प्रयास करके घेर करके उन सभी को पकड़ा और जब इनका चैट और सारी चीज़ें चेक की गई तो इनका एक कोड नाम है रैम्बो ग्रुप, इस ग्रुप के नाम से ये काम करते हैं। इनसे गहराई से पूछताछ की गई तो इनके कब्जे से इनके द्वारा छिपाई गई 5 बाइक बरामद हुई। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज नगर पंचायत की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि नगर पंचायत डुमरियागंज में जर्जर अवस्था में सैकड़ों की संख्या में बिजली के पोल आए दिन लोगों को चोटिल कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार महकमा है कि इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। बता दें कि मंदिर चौराहे पर जर्जर अवस्था में खड़ा बिजली का पोल अचानक 2 सगे भाइयों पर गिर गया, जिसके बाद पोल गिरने से दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आ गई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां हालत नाजुक देख डॉक्टर ने उन्हें KGMC लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। सब अभी आपके यहाँ जो है 2 पेशेंट आए थे, क्या कंडीशन है और कहाँ के रेफर किया गया इनको? कंडीशन 2 पेशेंट हमारे पास आए थे, दोनों भाई थे और दोनों के ऊपर पोल गिर गया था। मरीजों के हालत गंभीर थी, प्राथमिक उपचार किया गया इनका और प्राथमिक उपचार करने के बाद ये जिला अस्पताल बस्ती लखनऊ हायर सेंटर के लिए स्थिति कैसी है? कहाँ चोटें आई इनको? चोट इनका दोनों का सीने पर लगा। खबर श्रावस्ती से है, जहां शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत का मामला सामने आया था, जहां आज सपा प्रतिनिधि मंडल ने मृतक छात्र के परिवार से मुलाकात की। बता दें कि पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा और इंद्राणी वर्मा ने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही सपा नेता ने कहा कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार की मदद नहीं की, हम लोगों ने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की है।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां रोजा थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसने कानून से बचने के लिए अपने आप को कानून की आंखों में धूल झोंक कर मृत घोषित करवा लिया। बता दें कि जिसके ऊपर गैंगस्टर लूट समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल पकड़ा गया अपराधी मुरादाबाद में सिक्योरिटी कंपनी संचालक का काम करता था, जिसने उत्तराखंड से एक अज्ञात शव घर भेजकर अपनी अंत्येष्टि भी करवा ली थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर गदरपुर से है, जहां 4 दिवसीय राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन मुलर भोज स्थित बौर जलाशय में 4 दिनों तक चलाया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर से 27 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता के अंतिम दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फाइनल मैच में विजेता उपविजेता और खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बड़ा अद्भुत था कि नॉर्थ इंडिया में पहली बार इस प्रकार की कमेडियन प्रतियोगिता यार भाई क्या कर रहा है, जिसमें 700 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के आयोजन से जहाँ खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को उस प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारा ये जो गुलर रोड क्षेत्र है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के क्षेत्र में इसका चयन है। यहाँ पर पर्यटन की बहुत अपार संभावनाएं हैं, उस क्षेत्र में भी हम आगे काम करेंगे। आगे जो यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं इसको बढ़ाने के लिए हम आगे बात करना है, आगे प्रस्ताव देने हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी अच्छी हो, लोगों के आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहाँ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नाम से ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी ने आवाज़ बदल कर साइबर कैफे संचालक को फ़ोन किया। बता दें कि आरोपी ने अपनी बहन की फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करने की मांग की, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री के पीआरओ ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। खबर ऋषिकेश से है, जहां राज्य आंदोलनकारी सरोज डिमरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेशों की तर्ज पर भारत में भी प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने के लिए मशीनें लगवाने की मांग की है। बता दें कि 40 दिन की यूरोप यात्रा करके वापस लौटी राज्य आंदोलनकारी सरोज डिमरी ने विदेश यात्रा के अनुभव मीडिया के साथ साझा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदेशों में पर्यावरण संरक्षण और साफ सफाई के बेहतर इंतजाम के लिए जगह जगह प्लास्टिक कचरे की रिसाइकिल करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, जिससे विदेशों की हवा भारत के मुकाबले कई गुना अधिक स्वच्छ है। विशेष देखने को मिला और जो मैं चाहती हूँ कि भारत में भी हो जाए, एक रिसाइकलिंग मशीन होती है हर मॉल के बाहर लगी हुई होती है। जब हम लोग कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं, जैसे हमने पानी लिया या कुछ भी लिया, तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज हम देते हैं वहाँ पर दुकानदार को। जब एक्स्ट्रा चार्ज हम देते हैं, जब हमारी वो बोतल ख़त्म होती है, तो उसका हम संग्रह करते हैं। उसको संग्रह करके हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि हमने ये पैसे हमारे वापस आएंगे जो हमने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो जब हम आते हैं रिसाइकिलिंग करते हैं, जब हमने मैंने वीडियो भी बनाया है उसका, मैं आपको वीडियो भी दे रही हूँ, तो जो रिसाइकिलिंग के लिए देंगे तो उसमें से एक पर्ची आती है, उसमें जितने भी पैसे उन वो। खबर ऋषिकेश से है, जहाँ हेल्पिंग हैंड और व्यापार मंडल तपोवन ने मिलकर आनंद धाम आश्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें रक्तदान शिविर भी किया गया, वहीं लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। लोग जो है अपनी आंखों की जांच करा चुके हैं और हेल्पिंग हैंड समिति और तपोवन जो व्यापार मंडल है उसके संयुक्त तत्वाधान में ये शिविर आज तपोवन में आनंद धाम जो ये आश्रम है यहाँ पर लगाया गया है। और मैं समझता हूँ क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही है, आँख के साथ साथ दाँत के, स्किन के फिजिशियन और रक्त की जाँच, ब्लड डोनेशन कैंप और साथ साथ में कोविड का भी टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुखदायी बात है और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। व्यापार मंडल तपोवन के लोगों के द्वारा आनंद धाम में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई अस्पताल एम्स है, जिसमें बेलबेट हॉस्पिटल देहरादून है, जिसमें कई हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स
यहाँ पर आकर के जिन्होंने अपना प्रतिभा किया कि हमें लोगों में उत्साह है ब्लड देने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से ब्लड देना एक बहुत पुण्य का काम है। अगर किसी का जीवन बचाने में किसी का खून अगर काम आ जाए तो इसमें। खबर लक्सर से है, जहां यूपी के मेरठ के हस्तिनापुर के पाली गांव से 22 वर्षीय दीपक गुर्जर 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं, जो आज लक्सर पहुंचे, जहां हिंदू संगठनों के साथ किसान यूनियन भानू ने भी उनका जमकर स्वागत किया। हिंदू संगठनों और किसान यूनियन भानू के कार्यकर्ताओं ने दीपक गुर्जर को फूल मालाएं पहनाई। वहीं दीपक गुर्जर में इस यात्रा को लेकर काफी जोश दिखाई दिया। सरोवर नगरी नैनीताल में अधिवक्ता मामले में एसडीएम की कार्यशैली को लेकर के नैनीताल बार के आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने एसडीएम कोर्ट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज किया, जहां सचिव दीपक रुवाली ने कहा कि साथी अधिवक्ता के मामले में प्रशासन और एसडीएम ने जिस तरह अपने अधिकारियों को आदेश जारी किए, उसका अधिवक्ता संघ घोर विरोध करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।